सुपौल पुलिस ने कैश वैन लूट कांड का खुलासा करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों के पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। बता दें कि कैश वैन लूट कांड में 45 लाख की लूट की गई थी। इस दौरान अपराधियों ने कैश वैन की गार्ड को गोली भी मार दी थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस जानकारी के अनुसार अंतर जिला लूट गिरोह का नेटवर्क अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। सभी लोग ग्रुप बनाकर इस तरह की लूट कांड की घटना को अंजाम देते थे। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुआ अनोखा निगाह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। समस्तीपुर सिविल कोर्ट परिसर में उस वक्त भीड़ जमा हो गई जब हाथों में हथकड़ी और सिर पर सहरा लगाए कैदी का निगाह कराया गया। दरअसल मुसरी घरारी थाना इलाके में एक साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सजा से बचने के लिए ग्रामीणों ने राय मशवरे के साथ कोर्ट परिसर में मौलाना को बुलाकर निकाह करा दिया गया है। नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने एक 3 साल के बच्चे को बेरहमी से कुचल दिया। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों ने 2 घंटे तक जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला और महज 20,000 रुपए के साथ आश्वासन देकर मामला शांत करा लिया। पुलिस थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए मांगने वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटना बोरिंग रोड में निसाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कार्यालय चला रहे थे। बिहार की हाजीपुर पुलिस लाइन में बार बालाओं के डांस को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के आदेश पर सदर थाने में 12 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस लाइन के मेजर के बयान के आधार पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजधानी रांची के काके ब्लॉक चौक के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सनकी पति ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर अपनी पत्नी को जला डाला, जिसके बाद आनंद फानन में महिला की बेटी और देवर उसे लेकर जनरल नर्सिंग होम पहुंचे। वहां से रिम्स रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार महिला 90% जल चुकी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल के लेफ्टिनेंट सहयोगी ऑक्सीजन पाइपलाइन मेंटेनेंस कर्मी राहुल कुमार की मौत के मामले में लोअर बाजार पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के एक कर्मी सतेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि घटना के दिन राहुल को 5वें तले की खिड़की से नीचे फेंका गया था, जिससे राहुल की मौत हो गई थी। रांची के डोरंडा में हुए मुकेश यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रांची के डोरंडा इलाके के फॉरेस्ट कॉलोनी में पिछले दिनों मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मानगो निवासी परमजीत सिंह की जेल में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार फैसला सुनाया है। हत्याकांड के साजिशकर्ता गैंगस्टर अखिलेश सिंह को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पलामू के मेदिनी नगर में सदर थाना क्षेत्र चियांकी पहाड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गढ़वा के रमना खुर्द बहिहार गांव के 50 साल के महेंद्र उरानव के रूप में हुई है। वो देर रात अपने साथियों के साथ शिवरात्रि का मेला देखकर घर लौट रहा था। हादसे में 3 लोग घायल हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।